एक नया ट्विस्ट इस कहानी में आता है। वो लोग 100% इस पाप में भागीदारी है। उसके हाथ पे तेल डाल दिया ये खुद। कैसे चल जाएगा घर से आपका मिलवा दीजिए आपको बिना देखे हुए पहचान रहता है। नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं इस झमेले में पढ़ना नहीं चाहता था, इसलिए मैं इस पे वीडियो कोई नहीं बना रहा था, बट कुछ अंधभक्त ऐसे हैं जो हेट कमेंट करते हैं, उनकी वजह से मुझे आज ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। दोस्तों, भक्त बनो बट अंधभक्त मत बनो। भक्ति में इतने अंधे मत हो जाओ कि सामने वाला कुछ गलत करे तब भी आपको सच ही दिखाई दे, अच्छा ही दिखाई दे। दोस्तों, राजा वो लोग जो कर रहा है ना, वो अभी पाप कर रहा है वो। और इसके बारे में मैंने मनोज दे से भी कितनी बार चर्चा किया, तो मनोज दे बोलता है कि जब वायरल हो जाएंगे तो सब सही हो जाएगा। बहुत सारी बातें हैं दोस्तों जो मुझे आज आप लोगों से करनी है। मैंने वीडियो बनाया 4 अगस्त 2023 को, और राजा बलोक का शादी वाला वीडियो आप देख लीजिए स्क्रीन पे। 8 फरवरी 2024 को राजा बलोक का शादी वाला वीडियो है। उस टाइम किसी ने बिलीव नहीं किया था। अभी तक मेरे वीडियो पे 400-500 भी व्यू आए थे जो मैंने बनाया था। जब इसका शादी हुआ तब तो वो वीडियो वायरल हुआ। और दोस्तों, मैं वो वीडियो बनाना नहीं चाहता था। पप्पू वाल्मीकि जो राजा ब्लॉग के पत्नी के ससुर है, वो बार बार मुझे फोर्स कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि साहब जी वीडियो बना दीजिए, आप वीडियो बनाइएगा तभी इससे मेरा पीछा छूटेगा। और वो पीछा छुड़ाना इसलिए चाह रहे थे कि ये हमेशा उनको परेशान करती रहती थी, उनसे पैसे मांगती थी, रहती थी अपने मायके में, ससुराल नहीं रहती थी, और उसका जो हस्बैंड है वो उनको खर्चा दे रहा था, बट इसको उससे पेट नहीं भरता था। ये हमेशा उनको टॉर्चर करते रहती थी, इसलिए वो लोग पीछा छुड़ाने के लिए मुझसे ये वीडियो बनवाए। जब मैं ये वीडियो बनाया तो थोड़ा बहुत ये वीडियो जब चलने लगा, तब राजा बलोक को पता चला कि संतोष भाई ने वीडियो बना दिया है मेरे अगेंस्ट। तब राजा ब्लॉग और राजा ब्लॉग की माँ यूपी गए जया से मिलने के लिए, जो अभी प्रेजेंट में राजा ब्लॉग की वाइफ है। तो वहाँ से ये लोग मिल के आए, बात बात वहाँ पे हो गया और कोर्ट मैरिज उसी टाइम हो गया, उनका शादी हो गया। आप लोग बताइए कि मैंने क्या गलत कर दिया कि ऐसे ऐसे हेट कमेंट लोग करते हैं। इसी वजह से मैं अभी तक कोई वीडियो नहीं बना रहा था। मैं इस मामले से दूर ही रहना चाहता था, बट लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया फिर से इस मामले में पढ़ने के लिए और राजा बलोक का सच्चाई दिखाने के लिए। दोस्तों, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सुहानी के बारे में। सुहानी का ये वीडियो देखिए जो अपने ससुराल में रहकर अपलोड किया है। सुहानी बताओ क्या खुद करते हैं राजा ब्लॉग और उसका सच्चाई क्या है, थोड़ा ऑडियंस को बताओ। बहुत आप लोग मेरे को बोलते हो ना कि मैं कुछ छोटी भाग गई है ना, अपने माता पिता का जो लड़की नहीं हुई तो दूसरे का क्या होगी। शायद आप मेरा भाई का सच्चाई जान जाओगे ना, जो जितना मेरे बारे में भी गलत बोलते हो आप लोग सारा बोलना छोड़ोगे। मेरा भाई वीडियो बनाने के चक्कर में मेरे को मेरा पूरा फैमिली को मारता पीटता था, यहाँ तक बाप माँ को फटा से मारता था वो लड़का। वीडियो बनाने के चक्कर में दबा के रखा हुआ था वो लड़का, इतना टॉर्चर पे टॉर्चर करता था। मेरा वीडियो नहीं बनेगा तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, क्योंकि मेरा भाई ने मेरा फैमिली को सबको बर्बाद करके रख दिया था। बिल्कुल सही बोल रही हो, क्योंकि मेरे सामने ऐसी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो गई है। इस कलुआ के जितने भी दोस्त हैं दोस्तों, सबको उसने पैसे के लिए यूज किया, और जब अपना काम निकल गया तो सबको उसने छोड़ दिया। दोस्तों, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब मैं उसके घर पे गया था पैसे मांगने के लिए, तो उसके पापा बोले कि क्यों इनको परेशान करते हो, ये 100-150 किलोमीटर दूर से अपना गाड़ी लेके आते हैं, इनका खर्चा हो जाता है बहुत सारा, दे दो पैसे। तो अपने बाप को उसने धक्का देके गिरा दिया नीचे। वो ऑफ कैमरा था, उस टाइम वीडियो नहीं कर रहा था मैं, वो लोग करने भी नहीं दे रहे थे, बात ही नहीं करते थे, तो कैमरा बंद करवा के बात करते थे। एक बार दोस्तों मैं कलुआ के साथ गया था मनोज दे के घर पे, तो वहाँ पे मैं कलुआ के साथ गया, कलुआ मुझे गाड़ी में ही छोड़ दिया और फटाक से गेट खोला और निकल के एकदम भागता हुआ चला गया, उसके घर के अंदर जाके घुस गया। और जब मैं उसके पीछे पीछे जाता हूँ तो उसके जो आदमी है वो मुझे रोक देते हैं गेट पे ही, बोलते हैं कहाँ जा रहे हो। मैंने बोला कि मैं राजा के साथ आया हूँ। तो वो गया उसका आदमी अंदर, मनोज दे से जाके बात किया, उधर से परमिशन मिला, तब वो मुझे अपने साथ लेके गए। दोस्तों, ऐसी ऐसी घटना हुई है। ये तो मजे से गाड़ी में सो रहा था और मैं रात भर गाड़ी ड्राइव कर रहा था, दिन भर गाड़ी ड्राइव कर रहा था, अपना सारा खर्चा मेरा, पेट्रोल भी मेरा, कहीं पे चाय भी नहीं पिला रहा था वो, होटल का खर्चा, सारा खर्चा मेरा होता था। और फिर भी जब मैं मनोज जी के घर पे पहुंच गया तो मुझे छोड़ के वो अकेले ही घुस गया अंदर। ऐसी मतलब दोस्ती होती है क्या? दोस्तों, मुझे पता है कि मैं जितना कुछ भी बोलूंगा
पूरे एविडेंस के साथ मैं बोलूंगा तब भी कुछ अंधभक्त ऐसे हैं कि उनको झूठ ही लगेगा। वही बात नहीं दोस्तों, जिसको जो कमेंट करना है वो कर ले, बट मैं तो आज चुप नहीं बैठूंगा। आज मैं सारी सच्चाई उसका सारा पोल में खोल के ही रहूंगा। आज जब मनोज जी के घर पहुंचे तो मैंने ऑफ कैमरा बोला उनसे कि आप इसको समझाइए, ये व्यू के लिए वीडियो बनाने के लिए अपने मम्मी अपने डैडी को परेशान करता है, मारता है उनको। ऑन कैमरा वो लोग नहीं रोते हैं, उनके आंख से आंसू नहीं आता है, तो ये उनको मार के आंसू लाता है। कुछ बातें इतनी कड़वी बोल देता है कि वो लोग खुद रोने लगते थे, और आंख में आंसू लेके तो कैमरा के सामने जैसा सिखाता था स्क्रिप्टेड वैसे वो लोग बोल ही देते थे। तो ऐसी बातें वहां पे होती थी दोस्तों। सुहानी को तो हमेशा मारता रहता था। आप लोग देखते हो वीडियो में कि ये अपने माँ बाप का खूब सेवा कर रहा है, बट उसने कभी सेवा किया ही नहीं, सिर्फ किया है उनको यूज व्यू पाने के लिए और वीडियो बनाने के लिए यूट्यूब पे। जब मैं आधी रात को मनोज दे के घर से धनबाद से राजा बलाव के घर पे मैं आया तो राजा बलाव की माँ, आप इस वीडियो में देख लीजिए, बोल रही है मुझे रुकने के लिए। बट राजा भाई ऐसी दोस्ती यार क्या ही बोले, एक बार भी उसने नहीं बोला कि संतोष भाई आप रुक जाओ। जबकि मेरा मेहनत तो देखे थे कि मैं कितना जागता रहता था, गाड़ी में ड्राइव कर रहा था दिन को भी रात को भी, और ये मजे से सीट पे सो रहा था। ऐसा ऐसा दोस्तों उसने किया सिर्फ यूज करने के लिए, वो अपने किसी दोस्त के साथ वो थोड़ा सा फ्रेंडली रह लेता है। तो गाइज राजा भाई के घर पे पहुंच गए हैं और ये मम्मी जी आई है इनको रिसीव करने के लिए। तो राजा भाई जैसे मेरे साथ गए थे वैसे ही मैं ला के मम्मी जी आपको मैं हैंड ओवर कर दिया। ठीक है, चलो खुश है ना? तो है, लेकिन चलो घर पर अभी आराम कर लीजिएगा, थोड़ा ना खा करके। कोई बात नहीं है, निकल जाएंगे मम्मी के लंके पर निकल जाएगा तो दिक्कत मम्मी को। फिर आएंगे जब भी टाइम मिलेगा तो आएंगे, मिलने तो आएंगे आप लोगों से। समझिए कि एक प्रकार का रिश्ता बन गया, जैसे राजा भाई है वैसे मैं भी हूँ। तो है, जाइए, ख्याल रखिए अपना, चलते हैं। ठीक है, सही से निकल जाएगा जी। ओके, तो गाइस राजा भाई को उनके घर पे ड्रॉप कर दिए और मैं अब वहाँ से अकेले निकल गया हूँ। देखिए अकेले हूँ। उस कलुआ के घर से मेरे घर तक आने में दोस्तों कितनी बार अपने व्हाइट ईगल का एक्सीडेंट होने से बचा, इतना काफ़ी ज़्यादा नींद लग रहा था दोस्तों कि मैं ड्राइव कर ही नहीं पाता था। बट फिर भी मैं आँख धो के आँख को ऐसे ऐसे करके जैसे तैसे करके मैं अपने घर पे सुबह वहाँ से मैं चला अराउंड एक या दो बजे के करीब में रात को, और मैं सुबह 7-8 बजे तक मैं अपने घर पहुँचा। और अभी टाइम हो गया है 1:07 रात में। ऐसा भी हुआ इनके गाँव का, गांव तो गाइज कुछ हद तक सही है और यहाँ के पीपुल्स भी अच्छे हैं, बट रोड का इधर बहुत प्रॉब्लम है, पतले पतले रोड है, टूटे फूटे। देखिए इसमें मैं अपना गाड़ी चला रहा हूँ, देखिए स्पीड, देखिए गाड़ी का स्पीड 15-20 ऐसे स्पीड में गाड़ी यहाँ पे चला पा रहा हूँ। इस हिसाब से लगता है कि 4 बजे तक मैं पहुँच ही जाऊँगा। गाइज कल 5 PM से और अभी देखिए 0420 अभी टाइम हो रहा है, कंटिन्यू मैं अभी तक ड्राइव कर रहा हूँ। 40 मिनट कर लूँगा तो कंटिन्यू 12 आवर हो जाएगा ड्राइव करते हुए। बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा, देख लो मेरे आँख। बट गाइस जो अपने परिवार का, अपने फैमिली का, अपने माँ बाप का नहीं हो सकता है, वो ना आपका होगा ना मेरा होगा, उसके लिए दोस्ती कोई मायने नहीं रखता है दोस्तों। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ पैसे मायने रखता है, सिर्फ पैसे। वो पैसे के लिए है ना कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। धनबाद में मैंने मनोज देव से बोला कि भाई इस कलुआ को समझाइए, ये अपने माँ बाप को मारता पीटता रहता है, वीडियो के लिए गाली देता है, बहुत सारी बातें उनको बोलता रहता है, अपने माँ बाप से नहीं तो इसको बोलिए कि भगवान से कम डरे। तब पता है वो लोग क्या बोलते हैं? वो लोग बोलते हैं कि हम लोग भगवान को नहीं मानते हैं, हम लोग भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, भगवान जी हमारे लिए कुछ भी नहीं है, ऐसी बातें वो लोग बोलते थे दोस्तों। परेशान हो चुका था मैं बिल्कुल, और पैसे देकर तो मैं बुरी तरह से फंस ही चुका था। अगर मैं वीडियो नहीं बनाया होता, जब मैंने पैसे वहाँ से डिपॉजिट किया इसके अकाउंट में, अगर उसका मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया होता तो ना आप लोग बिलीव करते ना वो मुझे पेमेंट देता। जरा एक बार इस वीडियो को देखिए दोस्तों कि ये कलुआ और उसकी धर्मपत्नी तो नहीं बोलेंगे, उसकी बीबी वाइफ कैसे राजा बलाव की माँ को ये लोग उकसा रहे हैं कि वो कुछ बोले, और उसका वीडियो ये लोग देखिए कैसे शूट कर रहे हैं। कह रही हूँ ना, हाँ।
मेरा घर फोन आ रहा है किसी का, तुम्हारा बेटी दामाद के लिए हमको बेइज्जती करेगा। निकलो तू हमारे घर में से, अभी निकल जा। जा रे, तू नहीं निकलेगा तब तक तू हमको मार दूं, तुम्हारे हम मार देंगे। जो दामाद बेटी दारू पी करके हम लोग को मारने आता उसको कुछ नहीं बोलिएगा। मेरे घर है, पिएगा यहाँ दारू, पिएगा यहाँ बैठ के गाना, पिएगा बैठ के यहाँ पे। बहुत से पेरेंट्स होते हैं जब बच्चे गलती करते हैं तो लोग बोलते हैं कि आप घर से निकल जाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आदमी घर छोड़ के ही चला जाएगा। थोड़ा देर का गुस्सा रहता है, बाद में सब कुछ धीरे धीरे सही हो जाता है। कभी भी दोस्तों, आग से आग को नहीं बुझाया जाता है, आग को पानी से बुझाया जाता है। यहाँ तो इनके मन में शैतान है। ये लोग तो चाहते हैं कि जैसे भी करके मम्मी से बुलवाया जाए कुछ, और वो कुछ बोले और हम लोग ऑडियंस को उल्लू बनाए, वीडियो अपलोड करें और ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करके अंधभक्तों को और अंधकार में डालें। यही ना होता है और यही होता आ रहा है उसके वीडियो में। दोस्तों, जिस बहन ने इस कलुआ के लिए इतना कुछ किया, अपना हाथ तक जला लिया, अपने कपड़े तक फड़वा ली, अपने इज्जत का कोई परवाह नहीं किया, कलुए के ही कहने पे वो शादी कर ली ये मंदिर में जाके, कोई बारात वरात कुछ नहीं, उसका भी खर्चा ही कलुआ बचा लिया, कुछ नहीं किया, जैसे तैसे शादी करके उसको घर से हटा देना था इसको। और उसके बाद इसका प्रोग्राम था अपना शादी करने का, अपने में खूब खर्चा कर रहा है और बहन के शादी में भी खर्चा नहीं किया। और वो थोड़ा सा हेल्प क्या मांग ली, एकदम इसके ऊपर पहाड़ ही टूट पड़ा। हेल्प तो कुछ किया नहीं अपने बहन का, अपने बहन के लिए कुछ किया ही नहीं। इतना आप समझ लो कि अपने बहन के लिए ये कुछ नहीं किया, और वो थोड़ा सा हेल्प मांग ली तो बस यही ड्रामा शुरू कर दिया, अपना घर छोड़ के भाग गया। क्या दोस्तों, आप लोग ऐसे ही लोगों को सपोर्ट करोगे? मुझे तो लगता है कि राजा ब्लॉग पाप कर रहा है और उस पाप का भागीदारी वो सब लोग हो रहे हैं जो लोग उसका वीडियो देखते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, जो उसको सब्सक्राइब करते हैं, वो लोग 100% इस पाप में भागीदारी है। इस कलुआ की जो पत्नी जया है, इसका भी चर्चा करेंगे। उससे पहले एक नया ट्विस्ट इस कहानी में आता है कोमल कुमारी के बारे में। कोमल कुमारी, ये सारे टिकटॉकर्स जो है ना दोस्तों, अब यूट्यूब पे आके गंदगी फैला रहे हैं। टिकटॉक पे तो अच्छा हुआ कि वो बैन हो गया, नहीं तो अब तक पता नहीं कितने घर बर्बाद हो चुका होता। सबसे पहली बात कि कोई भी खानदानी फैमिली में औरतों को पूरा फुल फ्रीडम नहीं दिया जाता है। उनका टाइम होता है कि महीने में 3 या 4 बार कहीं बाहर घूमने चलेंगे, हर चीज़ का टाइम टेबल होता है। और दोस्तों, जो टिकटॉकर्स है उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको बस फ्रीडम चाहिए, पूरी आज़ादी चाहिए, कहीं भी जाए, किसी से भी बात करे, किसी के साथ रहे, किसी के साथ रात बिताए, कहीं जाए। क्या है दोस्तों ये सब? ये कोमल कुमारी दोस्तों कलुआ के चलते अपने हस्बैंड को तलाक दे दिया, अपनी बच्ची को भी छोड़ के आ गई अपने ससुराल में ही, और वो अपने मायके में रह रही है। और कितने सारे उसने सपने सजाए थे, कलुआ ने जितना भी झूठा वादा किया था उसके साथ, मगरमच्छ का आंसू बहा बहा के उससे बात किया था, पैसे वैसे उससे भी बहुत सारे उसने ऐंठ लिया है। और दोस्तों, आज वो बेचारी रो रही है, जब कलुआ का शादी हो गया तो उसको भी इसने धोखा दे दिया, उसका भी घर परिवार सब बर्बाद हो गया, वो भी बेचारी अब कहीं की नहीं रही। और ये जो जया है, जया के पास वो बार बार यूपी में क्यों जाता था? पप्पू वाल्मीकि से वो पैसे ऐंठती थी और वहीं पैसा लाने के लिए जाता था, तो उसने ज़्यादा पैसा दे दिया, कोमल कुमारी ने कम पैसा उसको दिया, जिसकी वजह से उसने कोमल कुमारी को छोड़ दिया, उसके साथ चीट कर दिया और शादी कर लिया जया से, कोर्ट मैरिज। उसके बाद मंदिर में शादी किया खाली वीडियो बनाने के लिए, बाकी कुछ नहीं। शादी तो पहले ही कर लिया था। और पति पत्नी जैसे रिलेशन में रहते हैं, ऐसे रिलेशन में तो वो 5-6 साल पहले से ही रह रहे थे। 5-6 साल पहले दोस्तों, उस टाइम में वो रिलेशन में थे। और जब पप्पू वाल्मीकि के बेटे से जया का शादी हो गया, तब भी जया राजा ब्लॉग से मिलती थी। तो ओबियसली दोस्तों है कि कोई भी हस्बैंड, कोई भी खानदानी परिवार जो होगा, वो तो अपने बहुओं को रोकेगा ही, अपने पत्नी को रोकेगा ही कि आप कहाँ जा रही हो, बतलाओ क्यों जा रही हो, नहीं जाना है। कोई भी एम्प्लॉय दोस्तों या सर्विसमैन, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो लोग रोज़ के रोज अपने पत्नी को कहीं कहीं नई नई जगहों पे लेके जाए। उनको जब छुट्टी मिलेगा, बिजनेस से जब उनको टाइम मिलेगा, तभी वो लोग लेके जाएंगे कहीं पे घूमने के लिए, क्योंकि उनको सबसे ज़रूरी चीज़ होता है उनको अपना काम संभालना, ऑफिस का काम देखना। और जो यूट्यूबर होते हैं, व्लॉगर होते हैं, या मतलब कोई भी सोशल मीडिया पे काम करने वाले होते हैं, तो वो तो फ्री होते हैं और घूमते हैं, इधर उधर जाते आते रहते हैं, और इनको वहीं चाहिए, जिसकी वजह से ये लोग कितने पागल है दोस्तों, कि ये लोग अपने पूरे फैमिली तक को छोड़ देते हैं। जब मैंने मनोज देव से बोला था कि आप इसको समझाओ, ये अपने मम्मी पापा को मारता पीटता है, तो वो बोलता है मुझे कि वायरल होने के लिए ये सब करना पड़ता है, वायरल हो जाएंगे सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने बोला दोस्तों, मनोज देव गुरु जो है, सबका गुरु बनता फिरता है, वो मुझे ज्ञान दे रहा था कि आप सच के सहारे कभी वायरल नहीं हो सकते हैं। आपको सोशल मीडिया पर सक्सेस नहीं मिलेगा, झूठ बोलना पड़ेगा, नाटक करना पड़ेगा,
और नाटक ऐसा करना पड़ेगा कि वो सच लगे। झूठ जीतता है आज के टाइम में, सच नहीं जीतता है। ऐसी ऐसी बातें वो लोग करते थे मुझसे, तो मैंने बोला कि भाई हमारे लिए तो फैमिली सब कुछ है, चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग फैमिली के साथ ऐसी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकते हैं। भले हम यूट्यूब छोड़ देंगे लेकिन ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग जो फैमिली वाला वीडियो है, फैमिली वाला जो यूट्यूब चैनल है, उसको सपोर्ट कीजिए। ये मैं नहीं बोलता हूँ कि मुझे कीजिए, मेरे जैसे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, बहुत सारे चैनल पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, उनको आप सपोर्ट कीजिए। दोस्तों ऐसे फ्रॉडिस्ट को क्यों सपोर्ट करते हो, क्यों सब्सक्राइब करते हो? इससे इसका हैगड़ी जो है ना, जब आप लोग अनसब्सक्राइब मारने लगोगे सब निकल जाएगा और फिर से ये अपने मम्मी पापा के पास वापस आ जाएगा। खाली गलत का ही साथ मत दो दोस्तों, सच का भी साथ दिया करो। आप लोग तो जाते हो वीडियो देखते हो, कोई कमेंट पढ़ने के लिए उसका वीडियो देखता है, लेकिन आपको पता है कि आपके वीडियो देखने से उसको सपोर्ट मिलता है, हेल्प मिलता है उसको। आज के टाइम में उसका अर्निंग आप देख लीजिए, सोशल मीडिया पे मैं दिखा रहा हूँ, आप खुद देख लीजिए कितना अर्निंग है उसका। तो आप बताइए, वो घर नहीं लेगा, अभी उसके पास पैसे हो गए, माँ बाप जैसे गरीबी में थे वैसे गरीबी में उनको छोड़ दिया जीने के लिए, और खुद अपने बीबी के साथ आ गया और नया घर ले लिया। बोलता है रेंट पे, मगर ये रेंट पे नहीं है, उसने खरीद लिया है। अभी वो गाड़ी खरीदने के चक्कर में है, जो महीने के 2.5-3 लाख रुपया कमाएगा क्या वो ये सब नहीं कर पाएगा? और ये सब दोस्तों वो खुद के दम पे नहीं कर रहा है, आप लोग के बदौलत तो कर रहा है सब। आप लोग जब उसका वीडियो नहीं देखोगे, उसको सपोर्ट नहीं करोगे, ये सब वो नहीं कर पाएगा। सुहानी पे दोस्तों, वो छोटी बच्ची पे मुझे इतना तरस आता है दोस्तों। आप लोग मतलब कुछ ऐसे अंधभक्त लोग हैं इस दुनिया में कि उस बेचारी मासूम लड़की पे किसी को तरस नहीं आ रहा है। ये सब क्या है दोस्तों, उस बेचारी ने कितना कुछ किया इसके लिए, कितनी मार खाई, कितनी डांट खाई, हाथ तक उसने अपना जला लिया। वो नहीं जलाई, ये खुद जलाया, उसके हाथ पे तेल डाल दिया ये खुद, और बोलता है क्या कि उसका हाथ जल गया। आप इस वीडियो में देख लीजिए, जब ये उसके गाल पे हाथ लेके जाता है तो कैसे पीछे डरी हुई से खींच रही है। क्यों खींच रही है? क्योंकि वो इससे डरी हुई है। इतना ज्यादा नौटंकी बाज कलुआ जैसा इंसान दोस्तों इस सोशल मीडिया पे नहीं होगा कोई। और पता नहीं क्यों ऐसे लोगों को आप लोग सपोर्ट करते हो, मत करो, छोड़ दो इसको। माता जी को अगर कलुआ से प्यार नहीं होता तो इतना रोती, इतना बिलखती नहीं। कुछ नहीं सुनता है तो ये अभी आंख से रो रहे हैं ना, वो देखेगा तो गाली देगा। हमको नहीं चिन्हा आपको जितना है माँ सासू माँ, तो ससुर हमको उसे धक्का मार कर अपना घर से निकाल दिए, बेटा से दिया हम बहरा के भेंट करने के लिए, बोल रहा तुम्हारे बेटा नहीं है अब मेरा बेटा है, बेटा से हम नहीं तक बेटा को हम नहीं देखे अपना दर्शन, हमको आँख कैसे हमको बिना देखे हुए बेचैन रहता है। तो दोस्तों इन शॉर्ट मैं आपको एक ही बात बता दूं कि कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि मेरे घर में कलह हो, कोई नहीं चाहते हैं, बट कुछ ऐसी एक्टिविटी आ जाती है जिसकी वजह से पूरा घर बर्बाद हो जाता है। जो माँ बाप अपने एकलौते बेटे को पाल पोस के कितने लाड़ प्यार से वो लोग पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, हर पॉइंट पे उसका साथ दिया, फिर भी वो अपने एक पत्नी के लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया, ऐसे इंसान को दोस्तों आप लोग सपोर्ट करोगे? कितना गलत बात है दोस्तों, दिमाग लगाइए, कुछ तो सोचिए दोस्तों, क्यों ऐसे वो सब कर रहा है? सिर्फ व्यू और पैसे के लिए, बाकी कुछ नहीं। अपने माँ बाप को बताओ कितना वो खून के आंसू रुला रहा है,
ऐसे इंसान को आप लोग सपोर्ट करते हो। जो लोग दोस्तों मेरे बात से सहमत है वो लोग अभी के अभी अनसब्सक्राइब मारो उसे। और मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप लोग मुझे ही सब्सक्राइब करो, आप लोग उस फैमिली वाले चैनल को सब्सक्राइब करो जो लीगल है, जो साफ सुथरा वीडियो बनाते हैं, जहाँ पे कुछ अच्छा सीखने को मिलता हो आपको। इसका ब्लॉग देख के आप लोग क्या सीखोगे? आप मान लो अपने मोबाइल में इसका ब्लॉग देखते हो, ठीक है, आपका मोबाइल अगर आपके बच्चे भी चलाते होंगे तो आपने तो इसका ब्लॉग देखा है। ये जब भी वीडियो अपलोड करेगा तो वो तो नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। बाय चांस आपके बच्चे देखेंगे, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये सब सोचो दोस्तों, ये सब सोचो। और इस चीज़ को दोस्तों, ये टिकटॉकर्स जो होते हैं ना, ये टिकटॉकर से ही सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं दोस्तों। इनके अंदर इमोशन नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, इनको सिर्फ व्यू और पैसा बस, बाकी दुनिया से किसी से कोई मतलब नहीं होता है। तो इसी के साथ दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, तो मैं करूँगा के माता जी से भी मिलूँगा और उनसे भी बातें करूँगा, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, सब कुछ आपको। वैसे तो मुझे पता है ये सब जो हो रहा है ना, पहले से ही मुझे सब पता है क्या होगा, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, वो भी मुझे पता है। सब कुछ धीरे धीरे सामने आ जाएगा। 7 महीने पहले मैंने वो वीडियो डाला है, राजा बोलो का शादी जो हुआ उससे आप खुद देख लो कि मैं कब वीडियो डाला हूँ और राजा बोलो का शादी कब हुआ। उस टाइम किसी ने मुझ पर बिलीव नहीं किया, किसी ने नहीं। जब इसका शादी हुआ, जब ये सब कोर्ट मैरिज उसने किया, डाइवोर्स वाली सब बातें आई, तब लोग मुझ पर बिलीव किए और उस वीडियो पे व्यू आया। तो यही सब बात है दोस्तों। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, बाय।